गाइस, दिस इज प्रीति. वेलकम बैक टू माय चैनल. गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर स्लैशर मूवी के बारे में, जिसका नाम है अर्बन लेजेंड ब्लडी मैरी. यह फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी. दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय मैरी लैम्बर्ट और 79% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है. ये कहानी शुरू होती है 1969 से, प्लेस सॉल्ट लेक सिटी, जहां वर्थिंगटन यूनिवर्सिटी में आज प्रॉम नाइट का सेलिब्रेशन चल रहा है. तीन लड़कियां सच धज के वेट कर रही थी अपने अपने डेट के लिए, जो उसी कॉलेज के फुटबॉल टीम के तीन जाने माने प्लेयर्स हैं. और ये तीनों लड़कियां तो बहुत ही खुश थी, उन्हें फेमस बनने का मौका जो मिल रहा था. पार्टी में जैसे सभी उन्हें ही देख रहे थे. वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, फ्लर्ट करते हैं. और उसके कुछ देर बाद ही हमें इन लड़कों के असली इंटेंशन के बारे में पता चलता है. इनमें से दो लड़के उन लड़कियों के ड्रिंक्स में कुछ पाउडर जैसा कुछ मिला देते हैं, जिसे पीते ही दो लड़कियां धीरे धीरे बेहोश होने लगती है. दो लड़के उन दोनों को लेकर पार्किंग लॉट की तरफ निकल जाते हैं. बाकी रह गया था फुटबॉल टीम का कैप्टन विली और उसकी डेट मैरी. मेरी वो ड्रिंक नहीं पीती, तो जब वो पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगती है, उसे वहां अपने दो दोस्त दिखते हैं, जिसे ये लड़के फोर्सफुली गाड़ी में कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे. वहां विली के एक्स गर्लफ्रेंड डॉन भी थी. इनके इंटेंशन समझने में मेरी को बिल्कुल भी देर नहीं लगती. वो वहां से भागने लगती है. विली उसका पीछा करता है और वो दोनों जाकर पहुंचते हैं एक स्टोर रूम के यूनिट में. उन दोनों में फिर से हाथापाई होती है. मेरी खुद को बचाने के लिए उसके हाथ पे काट देती है और विली भी गुस्से में उसे घूंसा मार देता है, जिससे मेरी गिर जाती है. उसका सर एक टेबल से जाके टकराता है और उसकी मौत हो जाती है. वो सांस नहीं ले रही थी. ये देखकर विली डर जाता है और उसके लाश को एक ट्रंक में छुपा देता है. जब उसके दोस्त आते हैं, विली कहता है कि उसे मेरी मिली ही नहीं. इस हादसे को हुए 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक मेरी का पता किसी को नहीं चला. उसकी लाश जो उस ट्रंक में कैद है, वो कभी रिवील ही नहीं हुई. और ये कहानी एक अर्बन लेजेंड की तरह लोगों के बीच फैल गई. नाउ बैक टू प्रेजेंट. साल है 2004. हम मिलते हैं तीन कॉलेज स्टूडेंट से, जो उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, वर्थिंगटन यूनिवर्सिटी में. उनमें से एक लड़की इस कहानी के बारे में अपने दोस्तों से कहती है, मगर कोई बिलीव नहीं करते. एक दूसरी लड़की सैम कहती है, अरे ये कहानी तो बिल्कुल ब्लडी मैरी की तरह है, नाम भी सेम है, तो क्या उसे भी आने के सामने जाकर बुलाने पर वो किसी को मार डालेगी. ऑफकोर्स वो लोग मजाक कर रहे थे, मगर कोइंसिडेंटली 35 साल पहले उस रात के साथ आज के इस रात का और एक सिमिलैरिटी भी है. आज भी उस यूनिवर्सिटी में प्रॉम नाइट का सेलिब्रेशन ही चल रहा है. ये लोग नहीं गए क्योंकि उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया गया था. असल में सैम ने उनके कॉलेज मैगजीन में फुटबॉल टीम के बारे में कुछ सीक्रेट्स रिवील कर दी, जिस वजह से उन्हें किसी लड़के ने डेट नहीं बनाया. टाइम पास करने के लिए वो लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं और मजाक मजाक में ही सैम ब्लडी मैरी का नाम 3 बार ले लेती है. ठीक तभी हमें उनके घर के बाहर एक लड़की की आत्मा दिखती है और उसके कुछ देर बाद ही लड़कियों के साथ कुछ होता है. उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो हमें नहीं पता चलता. सिर्फ वो लड़कियां कमरे से गायब हो जाती है, तीनों के तीनों. सुबह जब वो लोग नहीं मिलते तो सैम के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं. उसके स्टीप डैड बिल ओवन से काफी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर है, तो पुलिस खास नजर देती है इस केस पर, मगर उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. वो सभी कुछ ही घंटे बाद वापस आ जाते हैं. कहते हैं आज सुबह नींद से जागने के बाद वो लोग खुद को एक अबांडेंट मेल के स्टोरेज यूनिट में पाए थे. दरवाजा बाहर से लॉक्ड था. वो लोग किसी तरह से खिड़की से कूदकर बाहर आ पाए थे, मगर वो लोग वहां कैसे पहुंचे ये उन्हें नहीं पता. उनके ब्लड में रेप ड्रग का ट्रेस मिला था, जो मामले को और ज्यादा गंभीर बना देता है. इस हादसे का ट्रॉमा तो था ही, साथ में पता नहीं क्यों सैम को हर जगह आईने पे क्लासरूम में एक लड़की दिखने लगी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, उसके माथे से खून बह रहा था. तो सब कुछ मिला जुला कर सैम काफी डर चुकी थी. इनिशियली वो किसी से कुछ नहीं कहती, मगर उसके भाई डेविड के बहुत फोर्स करने पर फाइनली वो कहती है कि ये काम उस फुटबॉल टीम के तीन प्लेयर्स बक, रॉजर और टॉम का है. डेविड जाता है उनसे बात करने. बक, जो इस टीम का कैप्टन है, वो इसे बहुत लाइटली लेता है, मगर बाकी दो डर जाते हैं. मूड फ्रेश करने के लिए रॉजर जाता है टैनिंग सलून में. वहाँ बहुत ही कम टेम्परेचर में अपने बॉडी को रिलैक्स करने, मगर हम देखते हैं मशीन का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ने लग जाता है. रॉजर अंदर तड़पने लगता है, उसके शरीर पे छाले पड़ने लगे थे. वो मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन वो लड़की फोन पर इतनी बिजी थी कि उसकी आवाज सुन तक नहीं पाई. जब कमरा धुएं से भर जाता है, तब उसका होश लौटता है और चेक करने पर उसे रॉजर की जली हुई लाश मिलती है. बक को लग रहा था कि इसमें डेविड का हाथ है.
जब रॉजर के फ्यूनरल में वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो बक सिर्फ डेविड को ही घूर रहा था, मगर उसी फ्यूनरल में सैम नोटिस करती है बक के पिता मिस्टर जेकोबी चोरी छुपे एक ग्रेव पे फूल चढ़ाते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि ये ग्रेव मेरी की है, वही मेरी जो 1969 के प्रॉम नाइट में लापता हुई थी। लेकिन बक के डैड का उससे क्या कनेक्शन? उसी रात सैम के घर आती है उसकी एक दोस्त हैदर। बचपन में ये लोग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन कॉलेज में हैदर बक की गर्लफ्रेंड बन गई तो उनकी दोस्ती भी टूट गई। हैदर को उसके बॉयफ्रेंड के करतूतों के बारे में पता था, वो शामिल भी थी उस प्लान में, लेकिन वो सैम से माफी मांगती है, मगर ये सिर्फ एक रिवेंज प्रैंक था और कुछ नहीं। सैम भी उससे कहती है कि बक फालतू में ही डेविड पर शक कर रहा है, डेविड किसी को मार नहीं सकता। लेकिन हैदर कहती है कि ये सब पहले भी हो चुका है। इतना कहते ही वहाँ डेविड आ जाता है और हैदर सैम को एक किताब देकर निकल जाती है। उस किताब के अंदर सैम को एक एनवलप मिलता है जिसे किसी ने हैदर को भेजा था। इसे छूते ही सैम को अजीब सा फील होता है, एक घुटन सा महसूस होता है। उधर रात में हम हैदर के साथ कुछ अनयूजुअल होते हुए देख पाते हैं, एक मकड़ी उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। सुबह जब वो नींद से जागती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा पिंपल आ चुका था। हैदर जैसे ही उसे पोक करती है अंदर से एक एक करके बहुत सारे मकड़ियां निकलने लग जाते हैं, उसका पूरा शरीर मकड़ियों से भर जाता है। घबराहट में हैदर मिरर पर अपना सर पटक देती है, उसका फेस कट जाता है और अंदर से खून के साथ साथ और ज्यादा मकड़ियां निकलने लगती है। हैदर डर से पागल हो जाती है, चिल्लाने लगती है और अपने पूरे चेहरे को ही खींच कर बाहर निकाल लाती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत भी हो जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से जब सैम जा पहुंचती है उसके घर में, उसे हैदर की लहू लुहान लाश मिलती है, साथ में उसके शरीर से निकलते हुए बहुत सारे मकड़ियां भी। वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है, उनसे सारी बातें शेयर भी करती है, मगर कोई उसके बातों पर बिलीव नहीं करते, उसके अपने दोस्त तक नहीं। ऊपर से उसे फिर से वही भूतिया चेहरा हॉन्ट करने लग जाता है। डर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो घर में सबसे कहती भी है लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाती। उधर बक और टॉम का शक तो घूम फिर कर बार बार डेविड और सैम पर ही आ रहा था, इनमें से कोई एक हर वक्त हादसे के वक्त प्रेजेंट कैसे रह पाता है। बक ने खुद देखा था डेविड को रॉजर का पीछा करते हुए, और हैदर के केस में तो खुद सैम ने पुलिस को बुलाई थी, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बक बिल्कुल श्योर था कि ये भाई बहन मिलकर ही ये खून कर रहे हैं, तो वो टॉम के साथ उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाता है। वो टॉम को आज रात मिलने के लिए बुलाता है और हम बक के पिता मिस्टर जेकोबी को चोरी छुपे उनके बातों को सुनते हुए देख पाते हैं। रात होते ही टॉम रवाना हो जाता है, मगर बीच सड़क पर वही भूतिया लड़की उसके सामने आ जाती है और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दारू के नशे में था तो गाड़ी से उतरकर पास वाले इलेक्ट्रिक फेंस के ऊपर यूरिनेट करने लगता है। पहले पावर ऑफ था तो कुछ नहीं होता, मगर तभी कोई पावर ऑन कर देता है और बिजली के झटके से टॉम की मौत हो जाती है। पुलिस इस मौत को भी एक्सीडेंट ही मान रही थी, लेकिन सैम को कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो डेविड से बात करती है इस बारे में। हैदर के किताब में से उसे जो एनवलप मिला था उसके अंदर दो पेपर क्लिपिंग्स थे, एक था 1969 में मेरी बैनर के गायब हो जाने के बारे में, जिसके साथ सैम और उसके दोस्तों का गायब हो जाना काफी सिमिलर है, फर्क सिर्फ इतना है कि सैम जिंदा है। और सेकंड क्लिप है एक और न्यूज जिसमें लिखा था कैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने अर्बन लेजेंड को मोटिव बनाकर 3 स्टूडेंट्स का खून किया है। हैदर के मौत से पहले उसे भी लगा था कि जरूर इस वाले केस में कोई 1969 वाले हादसे को मोटिव बनाकर खून तो नहीं कर रहे। वो इन क्लिपिंग से क्या कहना चाहती थी ये जानने के लिए सैम 1969 वाले हादसे को और करीब से जानने की कोशिश करती है। उस हादसे के 3 शिकार थे, मेरी जिसका पता अभी तक नहीं चला एंड मोस्ट प्रोबेबली शी इज डेड बाय नाउ, उसके एक दोस्त जिसने 1982 में सुसाइड कर ली थी, और फाइनली और एक लड़की ग्रेस जो जिंदा है और इसी शहर में रहती है। सैम और डेविड उसी वक्त कॉलेज के डेटाबेस में चेक करते हैं उसके एड्रेस के लिए, उन्हें मिल भी जाता है मगर मिस्टर जेकोबी उन्हें देख लेते हैं। जेकोबी इसी कॉलेज का फुटबॉल कोच है तो उनके कॉलेज में होने से किसी को शक नहीं होता, लेकिन वो आखिर इन लोगों पर नजर क्यों रख रहे हैं। कॉलेज से निकलकर सैम और डेविड डायरेक्टली ग्रेस के घर जा पहुंचते हैं। ग्रेस उन्हें कहती है कि ये मेरी की आत्माएं हैं जो ये खून कर रही है, रॉजर, टॉम, हैदर इन सभी के पेरेंट्स 1969 के बैच का ही है, तो हो सकता है वो लोग उस हादसे में शामिल थे, इसीलिए मेरी बदला लेने के लिए उन्हें नहीं बल्कि उनके बच्चों को मार रही है। लेकिन मेमोरी लॉस के कारण ग्रेस उन लड़कों के नाम नहीं बता पाती जिन्होंने उन पर हमला किया था, तो सैम समझ नहीं पाती अगला टारगेट कौन होने वाला है।
सैम को तो उनके बातों पर यकीन होता है लेकिन डेविड को नहीं। उसे ग्रेस के घर में कुछ ड्राइंग्स मिलता है जिस पर अर्बन लेजेंड की तस्वीरें बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं डेविड को लग रहा था ये सारे खून ग्रेस तो नहीं कर रही। उस ग्रुप में सिर्फ बक ही बचा था, तो सैम और डेविड जाते हैं उसे वार्न करने। बातों बातों में बक ये एडमिट कर लेता है कि सैम और उसके दोस्तों को किडनैप करने का प्लान उसका ही था। उसे ये आइडिया मिला था अपने पिता से, जो 1969 में मेरी और उसके दोस्तों को किडनैप करने के प्लान में शामिल थे, लेकिन उन लोगों ने किसी को हर्ट नहीं किया। बक कितना भी इनकार क्यों ना कर ले, मगर सैम को पक्का फील हो रहा था मेरी का खून उसके पिता कोच जेको भी नहीं किया है, क्योंकि उसने इससे पहले भी उन्हें मेरी के हेडस्टोन पर फूल चढ़ाते हुए देखी थी और उनका बर्ताव भी तो शक करने लायक ही है। उसी रात बक जाता है एक मोटेल में रिलैक्स करने, लेकिन वहां उसके डॉग को कोई बुचर कर देता है। बक कुछ समझ पाए इससे पहले ही उसे अपने बिस्तर के नीचे वही भूतिया चेहरा नजर आता है जो बार बार सैम को दिख रहा था और जिसने टॉम का खून किया था, और इस बार ये आत्मा बक पर हमला कर देती है। चाकू से उसके शरीर को बिल्कुल चीर डालती है, एग्जैक्टली उसी तरह उसे मार डालती है जैसे ग्रेस के उस किताब पे पेंटेड था। पुलिस को लग रहा था ये किसी पागल प्रोस्टिट्यूट का काम है, मगर सैम जानती थी ये ना प्रोस्टिट्यूट का काम है ना कोच जेकोबी का। कोई पिता अपने बेटे को ऐसे कैसे मार सकता है, ये डेफिनेटली किसी और का काम है, शायद मेरी का। डेविड और सैम आपस में इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे जब उनका स्टेप डैड बिल ओवेंस आकर इंटरप्ट करते हैं। कहते हैं अगर उनके पास सच में कोई एविडेंस है, उन्हें कुछ भी पता चले, तो उन्हें पुलिस को जाकर बताना चाहिए। वो तो सैम को भी पता है, लेकिन उसके बातों पर बिलीव कौन करेगा। इतना सब कुछ देखते हुए डेविड को यकीन हो जाता है कि ग्रेस ये खून नहीं कर सकती, तो वो उससे ही मदद मांगने जाता है। उसे जानना ही होगा मेन कल्प्रिट कौन था और मेरी के हिट लिस्ट में और कौन कौन है। ग्रेस उससे कहती है उसे कॉलेज आर्काइव में चेक करना चाहिए, शायद उस प्रॉम नाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उधर सैम को फिर से मेरी की आत्मा हॉन्ट करती है, वो उसे दिखाती है वही ट्रंक जहां वो कैद है। साथ में सैम को ये भी पता चलता है कि मेरी को जब बंद किया गया था तब वो जिंदा थी, सिर्फ बेहोश हो पड़ी थी, उसकी मौत तो घुटन के वजह से हुई थी। सैम बहुत ही ज्यादा डर जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था मेरी सिर्फ उसे क्यों दिखाई दे रही। वो जाती है ग्रेस के पास, उसे पता चलता है मेरी उसे भी विजिट करती है। असल में मेरी की आत्मा आजादी चाहती है, फ्यूनरल चाहती है। अब तो सैम को भी पता चल चुका था कि वो कहाँ है, तो वो ग्रेस के साथ कॉलेज की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ डेविड को कॉलेज अर्गाइव से पुरानी फोटोज मिल जाती है, जिससे उसे एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है। उसे पता चलता है उस रात मेरी का डेट टॉम, रॉजर या बक के पिता नहीं कोई और था। इस सीक्रेट को शेयर करने के लिए वो घर भागता है, ये जाने बिना कि सैम कॉलेज में ही आ रही है। सैम उसे बार बार कॉल करती है मगर उसका फोन अनरीचेबल था। डेविड घर पहुंचता है, घर में कोई नहीं था। उसे सैम का वॉइस मैसेज मिलता है, मगर ठीक तभी कोई प्लास्टिक से रैप करके उसे सफोकेट करके खून कर देता है उसका, एक हुडेड व्यक्ति जिसका चेहरा हम नहीं देख पाते। उधर सैम और ग्रेस जा पहुंचते हैं कॉलेज में, दरवाजा तो लॉक्ड था, तो सैम खिड़की से अंदर जाती है, मेरी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने लगती है। स्टोरेज यूनिट में उसे वो ट्रंक मिल जाता है और अंदर मेरी की लाश भी, मगर ठीक तभी हमें वही हुडेड व्यक्ति इस कॉलेज में दिखता है। ये वही था मेरी का प्रॉम नाइट डेट, और वो नहीं चाहता कि उसका राज कभी बाहर आए, तो वो डेविड के बाद सैम को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैम भी बहुत ही चालाकी से उसे यूनिट में लॉक करके ग्रेवयार्ड भागती है। बाहर किसी ने ग्रेस को बेहोश कर दिया था, ऑफ कोर्स उस हुडेड व्यक्ति नहीं होगा, तो सैम को ही ड्राइव करना पड़ता है। वो अपने स्टेप डैड को कॉल करता है मदद के लिए और वो उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस भी करते हैं। सैम ग्रेवयार्ड जा पहुंचती है और मेरी के कब्र को खोदने लग जाती है, लेकिन मेरी के लाश को दफन करने से पहले ही वो हुडेड आदमी उस पर हमला कर देता है। एंड टू हर हॉरर उसे पता चलता है ये हुडेड व्यक्ति, ये खूनी जिसे वो अब तक जेकोबी समझ रही थी, वो और कोई नहीं उसके स्टेप डैड बिल ओवेंस ही है। विली उसका ही पेट नेम था जिसके बारे में किसी को पता नहीं। वो कुल्हाड़ी उठाता है सैम को मारने के लिए, लेकिन तब तक ग्रेस का सेंस लौट आया था, वो जाकर सैम को बचा लेती है, लेकिन उसे भी बेल्स मारकर बेहोश कर देता है और फिर से सैम को ढूंढने लग जाता है। सैम बहुत ज्यादा डर गई थी, उसे लग रहा था कि शायद आज ही उसका आखिरी दिन है। बिल्स उसे बहुत मारता है, बेहोश करके मेरी के ही कब्र में उसके ही साथ दफन करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक तभी उसके पीछे मेरी अपने लिविंग फॉर्म में प्रकट होती है और बिल्स को सीड्यूस करने लग जाती है, उसे किस करती है बहुत ही पैशनेटली। यही तो वो चाहता था, इसके लिए ही तो उसने इतना सब कुछ किया। 1969 के उस रात वो मेरी का रेप ही तो करना चाहता था, जिसके पूरे ना होने पर उसने गुस्से में मेरी पर हमला कर दिया और एक इनोसेंट लड़की की जान चली गई। सिर्फ इतना ही नहीं,
उसे कभी इतने बड़े जुर्म की सजा तक नहीं मिली। वह बिंदास होकर अपनी जिंदगी जीने लगा और बेचारी मैरी उस ट्रंक में घुट घुट कर दम तोड़ दी। आज वो वापस आ चुकी है बदला लेने। बिल्स को मैरी का भयानक रूप दिखता है जो अपने खूनी को अपने साथ कब्र में दफना देती है और उसका रिवेंज पूरा हो जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ग्रेस पुलिस को बुलाती है। फॉरेंसिक में बिल्स के मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, मगर ये तो सिर्फ ग्रेस और सैम को ही पता है कि किस डर से उसका हार्ट अटैक हुआ था। दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है मेरी अपना बदला लेने के लिए इतने साल वेट क्यों की। असल में उस रात जब सैम और उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में ब्लडी मैरी को बुलाने लगी तो ब्लडी मैरी नहीं इस वाली मेरी की आत्मा जाग उठी। वो रात प्रॉम नाइट थी, ऑलमोस्ट वही सब कुछ हो रहा था जो 1969 के उस रात हुआ था। ऊपर से इस सैम का स्टेप डैड यानी कि बिल ओवेंस उर्फ विली ओवेंस था मेन कल्प्रिट, जिस वजह से मेरी के साथ उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन भी था। सैम एक काफी प्रैक्टिकल लड़की थी, उसका कॉन्शियंस भी काफी स्ट्रांग था, जिस वजह से सिर्फ वो ही थी जो मेरी के राज को बाहर निकाल सकती थी। एट लास्ट वही हुआ, मेरी का राज बाहर आया, उसे बर्डियल मिली और उसके गुनहगार को सजा भी वो दे पाई। The end. लेकिन कहानी खत्म हो जाने के बाद भी कुछ सवाल हमारे मन में उठ सकता है, जैसे ग्रेस के पास वो पेंटिंग्स आई कहाँ से। मुझे लगता है मेरी अपने बेस्ट फ्रेंड को विजन्स दिखाती थी कैसे वो अपने शिकार को मारने वाली है और ग्रेस वही पेंट करती थी। हो सकता है मेरी ही है जिसके कहने पर उसने वो एनवेलप हीदर को भेजी थी जस्ट टू गिव हर सम क्लू, या फिर उसे कंफ्यूज करने के लिए, नॉट श्योर अबाउट इट। और एक सवाल ये हो सकता है कि अगर कोच जिको भी बेकसूर है तो वो वैसे अजीब बिहेव क्यों करता था। इसका जवाब ये हो सकता है कि शायद वो भी सैम की तरह सस्पिशियस था, अपने तरह से छानबीन करना चाहता था और इसीलिए सभी लोगों पर नजर रखता था, इवन अपने बेटे पर भी। दोस्तों मुझे तो ये कहानी ठीक ठाक ही लगी। हाँ कुछ प्लॉट होल्स है, कुछ फालतू के सीन्स को ऐड किया गया है, बेकार में ही ग्रेस के कैरेक्टर में कॉमिक शेड दिया गया है विच वॉज कम्प्लीटली अननेसेसरी अकॉर्डिंग टू मी, स्टिल इट वर्क्ड समहाउ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।